तर या होत्या आतापर्यंतच्या महत्वाच्या हेडलाईन्स आणि असदुद्दीन ओवैसी बोलतात, आपण थेट जातो आहे. उसमें टाइम लगेगा पढ़ने के लिए. गो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो उस सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया अपने जजमेंट में बाबरी मस्जिद के शहादत का डिमोलिशन का कि वो कानून के खिलाफ था. तो अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या फैसला आता बताइए आप. फैसला क्या आता नहीं मालूम मुझे. फिर भी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है मगर इनफेलेबल नहीं है. इसका मतलब क्या? सुनिए सुनिए. और 5 एकड़ ज़मीन का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, देखिए हम मुसलमान जो है हिंदुस्तान के संविधान पे हमको अटूट भरोसा है. हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे. अगर मुसलमान यकीनन गरीब है, मुसलमान कमज़ोर है, मुसलमानों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता. ये जिस तरह सुबह सूरज निकलता उस तरह से सच्चाई पर मुबन्नी है. मगर इन तमाम कमज़ोरियों के बावजूद भी हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गया गुजरा गिरावा नहीं है कि वह 5 एकड़ ज़मीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए ज़मीन नहीं खरीद सकता उत्तर प्रदेश में. हम अपने एक लीगल हक के लिए लड़ रहे थे. हमको किसी से खैरात की ज़रूरत नहीं है 5 एकड़ ज़मीन की. हम मस्जिद बना सकते. अगर आज मैं रोड पर निकल के भीख मांगूँ लोगों से, हैदराबाद की आवाम से, तो यकीनन हैदराबाद की आवाम इस गुनाहगार की झोली में इतना पैसा डाल देगी कि मैं उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ ज़मीन बना सकूंगा. हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे. हमको किसी से भीख की ज़रूरत नहीं है, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि हमको पैट्रोनाइज करने की ज़रूरत नहीं आपको. तो अब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या फैसला लेगा, किस बात पर फैसला लेगा, कि वो रिव्यू करेंगे नहीं करेंगे, वो 5 एकड़ की ज़मीन को कबूल करेंगे नहीं करेंगे. मेरी जाती राय यह है कि हमको 5 एकड़ के इस ऑफर को रिजेक्ट करना चाहिए. हमारी लड़ाई एक लीगल राइट की लड़ाई थी और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है. ये किसने कहा था? ये जस्टिस जेएस वर्मा ने कहा था, जिसको बीजेपी वाले और हिंदुत्व जहन रखने वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं. आखिरी बात यह है कि मेरा मानना यह है कि मुल्क जो है अब हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है. संघ परिवार बीजेपी अयोध्या से इसको शुरुआत करेगी. एनआरसी सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो बीजेपी इसको इस्तेमाल करेगी. और मैं उन तमाम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों से अपील कर रहा हूँ जिनको हिंदुस्तान पर नाज है और फ़ख्र है. यकीनन आपको मुझसे नफरत होगी, आप मेरी राय से मुत्तफिक होंगे या नहीं होंगे सियासी तौर पर, मगर मैं आपको मुतनब्बे कर रहा हूँ कि आप देख लीजिए मेरी एक एक बात सच साबित होगी. ये तमाम चीज़ें होने वाली हैं उस मुल्क में. और ये हम समझते हैं कि ये जो फैसला आया है जो पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, कोर्ट ने माना है कि एएसआई की रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि वहाँ पर मंदिर थी, कोर्ट ने माना उसको. और फिर कोर्ट ने ये भी कहा कि मस्जिद के अंदर हमने इबादत की वहाँ पर. अब ये समझ में नहीं आया कि 142 का जो एक्सरसाइज ऑफ पावर सुप्रीम कोर्ट ने किया ये बड़ा गैर मामूली है. सुप्रीम कोर्ट ने 142 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही है और हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है. सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है. सर आपने ही कहा था कि पहले कि कोई भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का आपको मान्य होगा, तो फिर आज आप बात क्यों चेंज कर रहे हैं? मुझे क्या राइट नहीं है ये कहने का कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो आया है उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ? क्या हिंदुस्तान के संविधान में मुझे इसकी इजाज़त नहीं है? क्या मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा हूँ? क्या हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? मुझे है और उसका मैं इस्तेमाल करते हुए कह रहा हूँ जो पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर वकीलों ने कहा, पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने कहा कि हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है. वहाँ पर शरीयत के एतबार से मस्जिद थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी. और मैं बताना चाह रहा हूँ संघ परिवार के लोगों को कि असदुद्दीन ओवैसी के बाद भी जब तक दुनिया कायम रहेगी इस मुल्क में हम बाइज्जत शहरी थे और रहेंगे. मगर हम अपनी नस्लों को ये बताते जाएंगे कि यहाँ पर 500 साल तक मस्जिद थी और 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार ने और कांग्रेस की साजिश की वजह से वहाँ पर मस्जिद को
सारी दुनिया के सामने शहीद किया गया और सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त जाकर कहा गया था, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मस्जिद के ऊपर कोई सौदा नहीं किया जा सकता। मैं अपने जाति घर का सौदा कर सकता हूं, मगर मैं मस्जिद की ज़मीन का कोई सौदा नहीं कर सकता। और मैं उम्मीद करता हूं और मुझे यकीन भी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मीटिंग करेगा और जो फैसला लिया जाएगा हम उनके साथ हैं। पांच एकड़ की लैंड के बारे में आप कह रहे हैं, जैसे धार्मिक सौहार्द भाईचारे के लिए अगर इस तरह का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि उससे पहले क्या ये फैसला भाईचारगी के लिए आया है? इंसाफ जब होता है तो इंसाफ ये नहीं देखता, इंसाफ ये देखता है कि टाइटल के ऊपर होता है, जस्टिस बहुत सी चीजों पर होता है। कौन कह रहा है कि हम भाईचारगी के खिलाफ हैं? यानी ये हो गया कि 6 दिसंबर को 92 को जो डेमोलिशन हुआ था, तो आप अगर कल बताइए, अभी काशी मथुरा का चल रहा है, गो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के उस एक्ट का जिक्र किया है, एक्ट का जिक्र किया है, मगर आपको मैं बता रहा हूं ये संगी लोग क्या बोलेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में मस्जिद है, वो ये लोग जाके बोलेंगे कि हाँ 91 का एक्ट हम मानते हैं, मगर उसके तहखाने पर हमारा हक है। लखनऊ में टीली वाली मस्जिद है, बोलेंगे मस्जिद ने, मस्जिद का जो सामने आंगन है उस पर हमको झगड़ा है। और फिर 89 में पालनपुर में बीजेपी ने रेजोल्यूशन पास किया था राम मंदिर का, 1960 में विश्व हिंदू परिषद के 60s में एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उस वक्त राम मंदिर नहीं था। अब ये मुझे डर इस बात का है कि ऐसे कई मसाजिद हैं जिस पर संघ परिवार के लोग बोलते हैं कि हमारा उस पर वहां पर की जमाने में मंदिर थी। तो ये आज का जो फैसला आया है प्रमोद जी, ये फेथ की विक्ट्री हुई है फैक्ट्स के ऊपर, ये फेथ की विक्ट्री हुई फैक्ट्स के ऊपर। और मुझे डर है, डर नहीं बल्कि एक अंदेशा है, अप्रिहेंशन है कि कल संघ परिवार के लोग काशी मथुरा हो, टीली वाली मस्जिद पे सब चलाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अगर हम लेकर जाएंगे उन कोर्ट्स में जहां पर एक केस चल रहा है, तब हमको पता चलेगा कि वो कोर्ट्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज के अपने जजमेंट में 91 के एक्ट के ऊपर तबसरा किया है। बतौर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मेंबर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें नाकामयाब रहा है? नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड की अपनी चीजों को आगे, पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरी कोशिश की है। लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से मैंने देखा है कि एक दिन दो दिन नहीं, जफरयाब जिलानी साहब महीनों रात रात भर बैठकर उस केस की तैयारी करते थे। राजीव धवन साहब रात में दो दो तीन तीन बजे तक बैठकर, एक दिन दो दिन नहीं, कई टीम के साथ तैयारी करते थे। हम अपने तैयारी किए, हम अपनी हर चीज़ को सामने रखे वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, मगर सुप्रीम कोर्ट इनफेलेबल नहीं है। मुझे इस बात का अंदेशा है, मुझे इस बात का खबी अंदेशा है कि किसी मजहबी स्ट्रक्चर को आप डिमोलिश कर देंगे और उसके बाद बोलेंगे बेटा तेरे लिए फेटा कंपली है। मजहबी स्ट्रक्चर का डिमोलिश नहीं, मैं सवाल मेरा तमाम भारत के लोगों से है, अगर डिमोलिश नहीं होती बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को तो क्या फैसला आता? मैं एक अनपढ़ आदमी हूं, मुझे बस समझाइए आप क्या फैसला आता। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, ये आज भी संघ परिवार के उनके वेबसाइट्स पर जाइए, आप देखिए ये तमाम चीजें आज भी हैं। सर, आपकी कम्युनिटी के कई उलेमा, कई नेता और कई गणमान्य लोग इस बात की ताकीद करते हैं कि जो ये फैसला आया है भाईचारे के तहत इसको मानना चाहिए, धार्मिक सौहार्द बने रहना चाहिए। प्रमोद साहब मैं क्या कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, मगर सुप्रीम कोर्ट इनफेलेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, मानते हैं फाइनल है, मगर इनफेलेबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट। ये जस्टिस जे एस वर्मा ने कहा था, और कौन जे एस वर्मा? जिसको संघ परिवार के लोग उनको अपना बड़ा मानते हैं, मैं उन्हीं के अल्फाज को कोट कर रहा हूं।
हाँ नहीं कानूनी, अब तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट है, आप सुप्रीम आप पर्सनल लॉ बोर्ड डिसाइड करेगा कि रिव्यू करना है नहीं करना है। असल को बताऊंगा कि जब तक तुम जिंदा रहोगे बताना कि 6 दिसंबर के दिन क्या हुआ था, क्योंकि जो 6 दिसंबर के दिन हुआ वो मुसलमानों का मसला नहीं, वो भारत की सेकुलरिज्म को, भारत की भाईचारगी को उसकी बुनियादों खिला के रख दिया गया था, ये हम बताते रहेंगे। ये उस दिन जो हुआ वो वैंडलिज्म नहीं था, अंडरस्टेटमेंट है वैंडलिज्म बोलना। सर इसको बढ़ाने से हासिल क्या? बढ़ाने कोई बढ़ाने की बात नहीं है, क्या महात्मा गांधी को मारने वालों को भूल जाए हम? नाथुराम गोडसे को कंडम ना करें हम? भूल जाए महात्मा गांधी के मर्डर को हम? भूल जाए बाबरी मस्जिद को हम? भूल जाए 84 में सिखों को जो मारा गया था? भूल जाए इन सबको? आज महात्मा गांधी के पोतरे तुषार गांधी का ट्वीट है, अगर उनका है तो नहीं मालूम, देख लीजिए क्या कहा उन्होंने, देख लीजिए उन्होंने क्या कहा उन्होंने। उनसे सवाल करेंगे आप कि तुमने उस तरह का ट्वीट क्यों किया? यकीनन हमको तकलीफ है, इससे कोई मैं छुपा नहीं रहा हूं, और मैं मक्कारी की बात नहीं करूंगा, मैं खुल के कह रहा हूं कि हमको तकलीफ है, हम मुतमईन नहीं है। सर द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इन टूडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस द ऑफिस बेयरर्स हैव सेड दैट द पर्सनल लॉ बोर्ड विल डिसाइड व्हाट टू डू अबाउट फाइलिंग रिव्यू पिटिशन, about to take a decision on this 5 acres offer, that the personal law board would decide. I cannot sit here and speak for personal law board. I am speaking here in capacity as a member of parliament and as a on behalf of my party MIM. क्या आप समझते हैं कि दीगर दस्तूरी इदारों की तरह अदलिया भी अपना विकास? नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है।